हार्डवेयर से लेके आपके लिए खूब सारी कमाल की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक खबरें। लेकिन उसको वीडियो पसंद आएगी लाइक करना और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और फटाफट से आज की टेक न्यूज बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पर एसर से। एसर एस्पायर 7 आज हो गया है लॉन्च इन इंडिया और प्राइस स्पेसिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर जो है बाहर आ गया है। और 81% का कुछ दिन तो बॉडी रेशियो मिलता है, फुल एचडी डिस्प्ले है और इसका जो वेट है वो है 2.515 kg। और इसका जो सीपीयू है वो है एएमडी का सीपीयू और मीडिया जीटीएक्स सीरीज का सीपीयू मिलता है आपको। और इसकी एसर ने प्रॉमिस किया है कि आपको 8.5 आवर्स का बैटरी लाइफ मिलेगा और वन चार्ज। और प्राइस की बात करें तो उसकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 54,990 एट फ्लिपकार्ट। और स्पेस की बात करें तो इसमें 15.6 इंच का एसएसडी प्लस डिस्प्ले मिलता है और एएमडी राइजन 3000 सीरीज का आपको सीपीयू मिलता है, मीडिया जीटीएक्स ग्राफिक्स आपको सीपीयू मिलता है। और रैम स्टोरेज रेट की बात करें तो 32 GB की आपको रैम मिलती है DDR4 वाली और 1 TB की आपको एसएसडी मिलती है। वाईफाई 6 का सपोर्ट भी है, इसमें टाइप सी पोर्ट भी है। तो अभी अगर ये 50,000 के आसपास आते हैं तो आई थिंक 50,000 के आसपास आया है तो आई थिंक दिस इज अ डिसेंट लैपटॉप। और सोली और रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स की सेल जाने वाली है, नेक्स्ट वीक सेल होगी इसकी नेक्स्ट वीक। और अगर आपको परचेस करना है नेक्स्ट वीक से परचेस कर सकते हैं। वैसे प्राइस की बात करें तो 6GB 64GB की इसकी प्राइस है 16,499, 6GB 120GB की इसकी प्राइस है 17,999 और टॉप एंड 8GB 120GB की प्राइस है 20,000। और अरोरा ब्लू, ग्लेशियर वाइट और इंटरस्टेलर ब्लैक कलर है। तो नेक्स्ट सेल दोस्तों आपको है, सेल टुडे थी 12 noon और बहुत नेक्स्ट वीक भी इसकी सेल है। सो आप जा सकते हैं और परचेज कर सकते हैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। और दोस्तों अगली खबर है रियलमी की तरफ से, रियलमी X50T आज स्पॉट किया गया। जी दोस्तों ये रियलमी की तरफ से न्यू स्मार्टफोन है और आज स्पॉट किया गया है ये बात। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस अभी तक नहीं आए लेकिन दोस्तों जब इसके स्पेक्स आ जाएंगे तो इसके ऊपर वीडियो जरूर करेंगे। और प्रोसेसर दोस्तों इसमें आपको शायद से 768G का स्नैपड्रैगन 768G का प्रोसेसर मिल सकता है। सो जब ये लॉन्च होगा सो फुल डिटेल स्पेसिफिकेशंस का वीडियो हम जरूर करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। और दोस्तों अगली खबर है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A51 का 8GB रैम वाला वेरिएंट आज हो गया है लॉन्च और इसकी प्राइस रखी गई है 27,999। और प्राइस के हिसाब से दोस्तों ठीक ठाक फ्लैगशिप है ये। अगर आपको 30,000 के नीचे लेना सो आप इसकी तरफ जरूर देख सकते हो। 8GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 28,000 में मिलता है और इसके कलर्स है प्रिज्म क्रश ब्लैक, प्रिज्म क्रश ब्लू और प्रिज्म क्रश व्हाइट। और यह आज दोस्तों इसका 8GB 128GB वेरिएंट लॉन्च हो चुका है एट द प्राइस ऑफ 28,000 एंड फॉर दैट प्राइस दिस इज अ डिसेंट स्मार्टफोन अंडर पीस 30,000। वैसे दोस्तों हमारी टेक न्यूज कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है लाइक करना ना। और दोस्तों आज के वीडियो की बात करें तो आज सुबह ही हमने एक वीडियो डाला हुआ है इस बारे में कि मैंने आपको फुल स्पेक्स बता दिया हूँ Redmi 10X, 10X Pro और Redmi 10X 4G के। सो वो वीडियो नहीं देखे जाए जरूर देखेगा अगर आप इंटरेस्टेड है Redmi 10X, 10X Pro या 10X 4G में। सो उसके फुल स्पेक डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हुए, आप जरूर से जाकर उसको देख सकते हैं। मोटोरोला की तरफ से मोटो जी फास्ट विद ट्रिपल कैमरा एंड 2 दिन की बैटरी लाइफ लीक हो गया और प्रोमो वीडियो भी आ गया। मैं आपको यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। ये है मोटो जी फास्ट और ये ऑल न्यू है और ये क्या प्राइस के साथ आएगा, क्या स्पेक्स के साथ आएगा पता नहीं है लेकिन Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर होगा, 3GB की रैम होगी और 3 कैमरा मिलेंगे इंक्लूड मैक्रो सेंसर, अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी कैमरा। और क्या मतलब किस मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो अभी तक नहीं आया। और वॉल्यूम और पावर बटन राइट साइड में होंगे और मोटोरोला की लोगो होगी, एम लोगो होगा। और मोटो ने क्लेम किया कि 2 दिन का बैटरी लाइफ इसमें आपको मिलेगा, तो बैटरी बैकअप इसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसकी प्राइस हो सकती है रफली ₹16,000 के आसपास और 18,000 के आसपास। सो जब ये लॉन्च होगा सो फुल डिटेल स्पेक्स का वीडियो जरूर करेंगे, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। और दोस्तों अगली भी खबर है मोटोरोला की तरफ से, मोटो जी प्रो आज हो गया है लॉन्च और प्राइस स्पेसिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर बाहर आ गए। सो इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 27,000 फॉर द 4GB 128GB ऑप्शन और एक ही रैम वेरिएंट मिलता है, रैम और स्टोरेज वेरिएंट मिलता है 4GB 120GB ऑप्शन। बात करें स्पेक्स की सो
और इसके स्पेक्स की बात करें तो 6.48 का आपको FHD डिस्प्ले मिलता है, मोटोरोला से मैक्स विजन डिस्प्ले कहता है, स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलता है, 4GB की रैम मिलती है, 128GB की स्टोरेज है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको इसमें मिलती है, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है, ट्रिपल रेयर कैमरास मिलता है, 40MP का मेन कैमरा मिलता है, 16MP का अल्ट्रावाइड मिलता है, 2MP का मैक्रो मिलता है और 2MP का आपको डेप्थ नहीं मिलता है, और ट्रिपल कैमरा से क्वाड कैमरा नहीं है। और सेल्फी की बात करें तो 16MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, 4000mAh की बैटरी मिलती है, 15W की चार्जिंग का टर्बो पावर चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक भी है, 4G का सपोर्ट है, 5G इसमें आपको नहीं मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट है, 3.5mm जैक भी है। सो इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो फुल स्पेक्स जरूर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और अगली खबर ओप्पो की तरफ से, ओप्पो फाइंड X2 को एक नया ग्रीन वीगन कलर ऑप्शन मिल, कलर लेदर का ऑप्शन मिलता है, वीगन लेदर कलर ग्रीन कलर है, मैं आपको यहाँ पे इसका पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये है वो कलर और मेरे हिसाब से डिसेंट कलर है, और मेरे हिसाब से ओप्पो फाइंड X2 प्रो भी इंडिया में जल्द लॉन्च हो जाए, और जब ये इंडिया में लॉन्च होगा फुल डिटेल स्पेक्स का वीडियो जरूर करेंगे। अदर कलर्स की बात करें सो ऑरेंज एंड ग्रे कलर है, और अब ये नया कलर ऐड हो गया ग्रीन वीगन लेदर कलर, सो अब इसको मिल गया ओप्पो फाइंड X2 प्रो को एक नया कलर। जियोनी की तरफ से खबर आ रही है, कितने दिनों बाद में जियोनी की खबर बताने वाला हूँ, जियोनी के 6 आज हो गया है लॉन्च, प्राइस स्पेक्स सब कुछ आ गए है, और 6.2 इंच का LCD प्लस HD डिस्प्ले मिलता है, वाटर डॉप नॉच है, 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, 16MP का ट्रिपल कैमरा मिलता है, हीलियो P60 का प्रोसेसर है, 6GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज मिलती है, 8GB की रैम है, 256GB स्टोरेज मिलती है, और इसमें आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी मिलती है, और दो कलर ऑप्शन मिलते हैं ब्लैक और ब्लू, और इसमें आपको 4350mAh बैटरी मिलती है, और इंटरेस्टिंगली इसमें आपको एंड्रॉइड 7.1 नुगेट मिलता है, और 2017 वाला ये मॉडल ये एंड्रॉइड है, और प्राइस दोस्तों काफ़ी अच्छी रखी हुई है, अगर ये इंडिया में 15,000 या 15 से नीचे में आता है तो जियोनी K6 दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, Xiaomi ने टीज कर दिया अपना लॉन्च ऑफ अ न्यू मी प्रोडक्ट इन इंडिया, और बहुत सारे रूमर रहती है, हो सकता है मी लैपटॉप या फिर रेडमी बुक, और क्या प्राइस होगी क्या स्पेक्स होंगे अभी तक कुछ भी बाहर नहीं आया, लेकिन जब पूरे स्पेक्स और प्राइस बाहर आ जाएगी तो वीडियो हम इसके ऊपर जरूर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, और हमारी टेक न्यूज में क्या लॉन्च है वो हम जरूर बताएंगे। और अफोर्डेबल प्राइस टैग है इसका, फुल HD डिस्प्ले है, और प्राइस भी आ गई है, इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है टू बी अराउंड 10,000 इन इंडिया, और ये ऑलरेडी सेल पे जा चुका है। और स्पेक्स की बात करें तो 1GB रैम 8GB स्टोरेज मिलता है, 2 स्पीकर्स है वो भी 6W के, और पैच वॉल UI इसमें आपको मिलता है, और 2 HDMI पोर्ट है, USB पोर्ट भी इसमें आपको मिलते हैं, और बजट रेंज का 10,000 के नीचे 32 इंच वाला टीवी रेडमी का मिल रहा है, रेडमी टीवी प्रो, और प्राइस भी सो ठीक ठाक है, और इनके जो स्पेक्स है वो भी ठीक ठाक है, जो टीवी है मैं उसकी पिक्चर ऑफकोर्स दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये रेडमी टीवी प्रो, और आई थिंक दिस इज अ डिसेंट टीवी। चलिए सो टेक न्यूज होती है खत्म, और आज की टेक न्यूज आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट डे, टिल देन ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।